नमस्कार, हेडलाइन 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों की। वीडियो कॉलोनी के 10,000 रहवासियों को मिली बड़ी सौगात। राजधानी भोपाल के गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र स्थित अवधपुरी वीडियो कॉलोनी के रहवासियों को आवागमन में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जिसके चलते गोविंदपुरा विधानसभा विधायक कृष्ण गौर द्वारा VCLL के 10 बसें चिरायू हॉस्पिटल से वीडियो कॉलोनी तक चलाई गई, जिससे अब रहवासियों को आवागमन में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। विधायक कृष्णा गौर ने कहा, ऐसे ही 600 बसें और के लिए आप आज का दिन गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के लिए बहुत बड़े सौगात का दिन है। एक बहुत बहुप्रतीक्षित मांग आज पूरी हुई है। विद्यासागर इंस्टीट्यूट से लेकर उषा प्रभा कॉलोनी, गैलेक्सी, वीडीए कॉलोनी, EWS, अमरावतपुर तक लगभग 50,000 आबादी है जो आवागमन से, परिवहन सुविधा से वंचित थी। कई बार यहाँ के रहवासियों ने मांग की थी कि लो फ्लोर बसों का स्टॉप बढ़ाया जाए। हमने कोशिश भी की थी, पर चूंकि लो फ्लोर बसों की लंबाई ज़्यादा होने के कारण, मार्ग छोटे होने के कारण, अतिक्रमण होने के कारण हम पर्याप्त सफलता हमें नहीं मिल पाई थी। कई जगह जाम लग जाता था, गाड़ियां मुड़ नहीं पाती थी, स्टॉप की जगह नहीं थी, और इस वजह से हम चाह कर भी यहाँ पर ये सुविधा नहीं उपलब्ध करा पा रहे थे। जैसे ही भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड की मिडी बसों का आगमन हुआ, हमने तत्काल कमिश्नर महोदय से कहकर यहाँ पर इन मिडी बसों को शुरू कराया है। लगभग 50,000 की आबादी के इस क्षेत्र को आज बहुत बड़ी सुविधा इन मिडी बसों के माध्यम से मिली है, जिनको लोग बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि ये सुविधा हमको मिले। भारत सरकार की योजना, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की शहरों को परिवहन देने की योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार की इसमें राशि मिली हुई है, केंद्र सरकार की राशि मिली है, और बाकी बची हुई राशि नगर निगम भोपाल की है। इस प्रकार से तीनों सरकारों की राशि के माध्यम से आज ये परिवहन सुविधा गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के इस बहुत बड़े एरिया को मिली है। मैं VCLL को, नगर निगम भोपाल को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र की जनता की ओर से, कि एक बहुत बड़ी सौगात आज हमारे गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र की जनता को मिली है। जैसे अभी BDA कॉलोनी तक बसें आई हैं, ऐसे ही जो अन्य पिछड़े क्षेत्र हैं वहाँ और बसें जाएंगी आप कुछ आगे? हाँ, चूँकि अभी पहली किश्तों में 50 बसें आई थी और 50 बसों के जो रूट तय हुए थे उसमें हमने सबसे पहली कोशिश की कि यहाँ की मांग, क्योंकि बहुत पुरानी मांग थी, बहुत वाजिब मांग थी जिसको पूरा करना ज़रूरी है। अभी 600 बसें और आ रही हैं, उन बसों को भी हम ऐसे रूटों पर ले जाएंगे जहां पर अभी तक कोई भी परिवहन सुविधा नहीं थी और वहां के लोग मोहताज थे इस सुविधा के लिए। इसलिए अब कोशिश हमारी यही होगी कि ऐसी कॉलोनियों में भी जहां बसें जा सकती हैं, जहां अतिक्रमण नहीं है, सड़कें चौड़ी हैं, बसें आसानी से जा सकती हैं, वहाँ पर भी हम ये सुविधा देंगे। खासकर महिलाओं के लिए बहुत बड़ी सुविधा हुई है, क्योंकि इन बसों में महिलाओं की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं, CCTV कैमरे लगे हैं ताकि महिलाओं के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार ना हो, छेड़खानी ना हो, चोरी जैसी वारदात ना हो, और महिलाएँ सुरक्षित और आरामदायक इसमें सफ़र कर सकें। तो मैं सारी बहनों को भी इस सुविधा के लिए, सौगात के लिए बहुत बधाई देती हूँ। आज दादा किस कार्यक्रम का आयोजन रखा गया? ये अवधपुरी और क्षेत्र के लिए एक बहुत खुशी का दिन है कि आज हमारी जो SR5 बसेस थी वो अभी तक जो चिरायू से लेकर के विद्यासागर कॉलेज तक आती थी अवधपुरी के, वहाँ से लेकर विद्यासागर के आगे से आज ये अमरावतपुर तक जो हमारा अंतिम डेस्टिनेशन है, और पूर्वी क्षेत्र अवधपुरी के लगभग 10,000 से ज़्यादा लोगों को सीधा लाभ इसका मिलने वाला है ट्रांसपोर्टेशन का। 20 साल से इस जगह की जनता, जो हमारे 10 से 20,000 लोग हैं, 28 से 30 कॉलोनियाँ जो पूर्वी क्षेत्र में रहती हैं, उनको इसका सीधा लाभ मिलने वाला है। तो एक बहुत खुशी का दिन है, पूरे भोपाल वासियों को बहुत बहुत बधाई, पूरे अवधपुरी वालों को, वासियों को सबसे ज़्यादा बधाई। कि देखा जा रहा है पिछड़ा एरिया था और आज कृष्णा गौर विधायक जी दिया गया, इतना बड़ा आप लोगों का योगदान मिला, तो किस तरह से उनका साधुवाद करेंगे? मैं उनका साधुवाद इसलिए करूँगा कि बीच बीच में हमारी दीदी का सहयोग हमको मिलता है, सारी चीज़ें हैं। अब क्या है कि मैं सबसे बड़ी बात ये कहता हूँ कि इस अवधपुरी परिक्षेत्र जनकल्याण महासमिति द्वारा कम से कम इस बस को चलाने के लिए कम से कम 25 बार नगर निगम कमिश्नर साहब के पास,
और कम से कम 10 बार किया हुआ चाहिए साहब के साथ। लगातार हमारी काउंसलिंग चली है और उसके बाद ये सौगात हमें मिली है। ये सौगात सभी की है। बीच में जहाँ तक विधायक कृष्णा कुमार जी का सवाल है, दीदी का, उनका सहयोग हमें मिलता है। हम किसी भी जब हम जाते हैं, जब किसी को कोई ऐसी समस्या आती है जो हम नहीं कर पाते हैं, तो उनके पास जाते हैं, उनका सहयोग मिल रहा है। कितनी बसें हैं जो रोज यहाँ से आवागमन करेंगी? ये 10 बसें हैं जो लगातार 5 बस अप और 5 बस डाउन में 10 बस लगातार चलेंगी, जो अब चिरायु से लेकर के अमरावतपुर लास्ट रीजेंसी तक चलेंगी। नाम कमल तिवारी, जन कल्याण महामंडल। गोविंदपुरा कोई बड़ी सौगात मिली है पिछले एरिया में, किस तरह से आप करवाते हैं? आज हमारे क्षेत्र के लिए वार्ड नंबर 60 लगता है डी डी कॉलोनी, जहाँ के गरीब वर्ग के लोग रहते हैं अधिकतर, तो वहाँ पे आज बहुत बड़ी सौगात हमारे क्षेत्रीय लोकप्रिय विधायक आदरणीय कृष्णा कुमार जी के द्वारा यहाँ दी गई है, जिसमें हमें BCNL की वो बसें जो खूब व्यवस्थित है, जिसमें कैमरे लगे हुए हैं और महिलाओं को सुरक्षा का विशेष इंतजाम है, यहाँ से 10 बसें उन्हें दीजिए कानून में। आज तो उन्हें यहाँ घोषणा करी है कि ये बसें अमरावतपुर तक अब जाएंगी। तो BCNL के अधिकारियों को निर्देश माननीय विधायक जी ने दे दिए हैं कि अमरावतपुर तक जाएंगी, और अभी BCNL की 600 बसें और आनी है। भोपाल शहर की जो रूटें छूटी है, सभी रूटों में इंटरनली रूट जो होती है उसमें ये बसें चलेंगी हमारी। हमारे गोविंदपुरा विधानसभा में जो कुछ रोडें छूटी है, वो भी जल्दी माननीय विधायक जी मीटिंग बुला के उन रोडों को भी इसमें जोड़ेंगे। नाम बताइए। जनता आवाज़। मेरा नाम केवल मिश्रा है, मैं BCNL का पूर्व डायरेक्टर हूँ। सर, आज माननीय विधायक कृष्ण गोर जी द्वारा जो बसों का शुभारंभ किया जा रहा है, माना जाता है कि भोपाल का सबसे पिछड़ा हुआ ये एरिया कहा जाता था, लेकिन आज यहाँ भी ये बस सुविधा उपलब्ध हुई है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात कही आपने, ये बिल्कुल बहुत पिछड़ा एरिया है और यहाँ BDA में बिल्कुल लास्ट एंड है ये अवैधपुरी का, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन बहन जी ने, कृष्णा गौर जी ने हम सब यात्रियों पर बड़ा उपकार किया है, जो यहाँ इतने इंटीरियर में भी बसें स्टार्ट करी, और वाकई में ये बहुत ही सराहनीय कार्य किया उन्होंने, और वो चुन चुन के ऐसी देख देख कर ऐसे सारे जगह पर बसों की सुविधाएं और बाकी सुविधाओं का ध्यान रख रही हैं, और हम सब उनके आभारी हैं। सर, हम बात करें भोपाल की, जो सबसे ज़्यादा जो प्रयास करती है वो क्षेत्र विधायक आपकी कृष्णा गौर जी है, जो अपने विधानसभा क्षेत्र में लगातार सुबह से 7 बजे से लगातार कार्य करती रहती है, तो ऐसे विधायक आपके विधानसभा में मिली आपको, तो आपका सौभाग्य? हम सबका सौभाग्य है, और वाकई में जितना वो काम कर रही हैं ये बताने वाली बात नहीं, ये सबको दिख रहा है, और जितना विधायक जी ने काम किया है शायद ही किसी विधानसभा में इतना कार्य हुआ होगा, मतलब रोड से नाली से लेके बसों की सुविधाओं से लेके साफ़ सफाई से लेके ऐसे अनेक अनेक कार्य उन्होंने किए हैं, और हम लोग तो सब यहाँ पर देखते रहते हैं लगातार, उनके जो जितने भी उनके कार्य हैं वो देखते रहते हैं। नाम बता जी। मेरा नाम रत्नाकर सीठिया जी। धन्यवाद। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी सौगात है, क्योंकि दूर दराज के जो क्षेत्र थे जैसे BDA कॉलोनी के अमरावतपुर तक, उनको बस की सुविधा नहीं मिल पाती थी, ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं मिल पाती थी, लोगों को 3 से 4 किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ता था। आज ये 10 बसों की, जो मिनी बसों की शुभारम्भ हमारे विधायक आदरणीय कृष्णा गौर जी ने किया है, बहुत ही मुझे लगता है इस क्षेत्र के लोगों को बहुत शानदार सुविधा मिलेगी, और लोगों में आवागमन की सुविधा जो प्राप्त होगी उससे उनकी दूर जो समस्या रहती थी वो समस्या दूर हो जाएगी। ठीक सर, आज माननीय विधायक महोदय जी बस का शुभारंभ कर रही है, बहुत दिन के बाद में यहाँ के लोगों की सुविधा मिली है, आज इस बस में आप सफर कर रहे हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्षेत्र की जनता को इसका फ़ायदा मिलने वाला है, बहुत दिन से यहाँ मांग थी अमड़ाव गांव और BDA की, तो आज विधायक श्रीमती कृष्णा गौर जी द्वारा पूरी हो रही है यहाँ पर, तो लगभग यहाँ की 4 से 5 हज़ार जनता रहती है आसपास, सभी को इसका फ़ायदा मिलने वाला है। सर नाम बता दीजिए। मेरा नाम रमेश।